एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.7, जो कि इस चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, स्टूडेंट्स ऑफ आर क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। हम एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को कुछ रो में खड़ा करते हैं, तो इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो, अगर हम ऐसा करते हैं कि हम हर रो से रो में 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लेते हैं, देन देयर वुड बी 1 रो लेस, तो हमें 1 रो कम मानी पड़ती है। और अगर हम ऐसा करते हैं, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर हम हर रो में 3 स्टूडेंट्स को कम कर देते हैं, देन देयर वुड बी 2 रो मोर, तो हमें 2 रो ज़्यादा माननी पड़ेंगी। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो बताना क्या है हमें कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ अ फिगर, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ये अलर्ट किया है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रो है वो एक्स है। तो मैंने यहाँ पर बस इसको 5 पॉइंट दिखाया, तो हो सकता है ये 5 फिक्स नहीं है कुछ, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ रो है और वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मान लीजिए आप एक रो में 6 स्टूडेंट, 2 में कितने होंगे 2 × 6, 3 में होंगे 3 × 6, ऐसे एक्स में कितने होंगे x × 6। ऐसे ही अगर एक रो में वाई स्टूडेंट्स, तो एक्स में कितने होंगे x × y, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक रो में, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कंप्लीट इस जैसे हम ये जो मैं अरेंजमेंट है इसमें, और कितने होंगे वो होंगे xy, राइट। अब मैं केस 1 पर पढ़ता हूँ। यहाँ पर हमसे केस 1 कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, राइट। अगर मैं अभी कितने स्टूडेंट्स हैं एक रो में, वाई स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस 3 कर दूँ, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा दूँ एक रो में, तो क्या होगा, आपको सोचेगा यहाँ पर हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो रो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि देयर विल बी 1 रो लेस, तो जो रो पहले x थी वो 1 कम हो जाती है, तो x − 1 रो बनती है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, सेम वही होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। हम जब मल्टीप्लाई करते तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब इससे पहले हमने एक वैल्यू फाइंड की थी जहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिला था xy के इक्वल, तो क्या मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को xy ऐड कर सकता हूँ, राइट, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को xy लिखूंगा, x − 1 y + 3 = xy। सॉल्व करते हैं इसको, तो आप देखिए क्या होगा, x × y (xy) + 3 × x (3x) − 1 × y (-y) − ± 3 बन जाए 3 = xy। xy कैंसिल्ड आउट, तो इक्वेशन बचती है 3x − y − 3 = 0, इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे जो हमें केस 2 दिया गया है, सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है यहाँ से, सेकंड कंडीशन में जो गिवन है यहाँ से वो ये है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हम हर रो से 3 बच्चे कम करते हैं, अभी हर रो में वाई स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर स्टूडेंट से 3 स्टूडेंट्स को कम कर देता हूँ, तो हर एक रो में y − 3 स्टूडेंट्स बचेंगे, तो होता है क्या, देन देयर वुड बी 2 रो मोर, तो वहाँ पर हमें 2 रो एक्स्ट्रा आनी पड़ती हैं, तो हमें x + 2 करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो होंगे यहाँ पर, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं एक रो में, y − 3, और जो टोटल रो है वो कितनी है, x + 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, this × this। और हमने जस्ट पहले भी ये फाइंड किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो xy के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को xy लिखूँगा, तो x + 2 × y − 3 = xy। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ से, x × y (xy) − 3 × x − 3x + 2 × y (2y) − 6 = xy। यहाँ से होगा क्या, xy कैंसिल हो जाएंगे, सो बचेगा −3x + 2y − 6 = 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे होंगे कि हमने कंडीशंस को कैसे अप्लाई करके यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान है, हमको यहाँ पर ये आसानी से मिल चुका है कि x का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, ये 3x − 3x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इक्वेशन 1 + 2। इक्वेशन 1 + 2 करके क्या होगा, इक्वेशन 1 है 3x − y − 3 = 0, इक्वेशन 2 है −3x + 2y − 6 = 0। जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों ही पॉजिटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो कैंसिल्ड आउट, 2y − y y
माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें मिलता है वाई का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू नाइन। तो वाई तो हमें मिल चुका है नाइन, अब यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ अभी। पुट जो हमारा वैल्यू आया था वाई का था नाइन, वाई इक्वल टू नाइन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया था हमें, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ वाई का वैल्यू, तो क्या होगा, थ्री एक्स माइनस नाइन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 12 अपॉन 3 मीन्स 4 वैल्यू आ गया यहाँ से x का। सो x का वैल्यू आता है 4 के इक्वल, राइट। सो x है क्या यहाँ पर, अब देखिए मैं स्टार्टिंग में क्या ऐड किया था, दैट की जो टोटल नंबर ऑफ रो है वो x है। तो देयर फॉर द आंसर टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 4। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन और रो, ए रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, वो वाई के इक्वल होगा। और वाई किसके इक्वल था हमारा, नाइन के इक्वल। सो आंसर इज 4 एंड 9। सो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दिया है। क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। हमें फाइंड करना है कि ईच एंड एवरी एंगल क्या क्या होगा। ए बी सी की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल के ये एंगल्स हैं, ऐसे बोलिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो इसके एंगल्स हैं ए बी सी, हमें ये फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ला गए ट्रायंगल की, वहीं टिक पुट करके वहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें हर एक वैल्यू को सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं देखता हूँ तो अगर यहाँ पर आप चेक करो तो एंगल जो सी है वो 3 एंगल बी के इक्वल गिवन है। तो एंगल सी बी की फॉर्म में गिवन है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि एंगल ए को भी इन दोनों को यूज करके बी की फॉर्म में ले आता हूँ। कैसे, देखिए 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी, 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए। तो यहाँ से एंगल बी किसके इक्वल आता है, 2 एंगल ए के इक्वल आता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी अपॉन 2 के इक्वल है। देखिए अब यहाँ पर से क्या हो रहा है, जो एंगल जो हमारा पहला पार्ट था हमने इसको यूज किया और यहाँ से हमें यह मिला कि जो एंगल सी है वो 3 एंगल बी के इक्वल है। और जो सेकंड पार्ट था ये वाला, इससे हमें यह क्या रिजल्ट मिला कि जो एंगल ए है वो एंगल बी अपॉन 2 के इक्वल है, राइट। अब हमें यहाँ से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में रिलेशन मिल चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है वो होता है 180। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जो एंगल ए है वो एंगल बी अपॉन 2 के इक्वल है, एंगल बी तो एंगल बी के ही इक्वल होगा, एंड जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, 3 एंगल बी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि सारे एंगल्स को एंगल बी के फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इनको सॉल्व करके यहाँ से एंगल बी की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो मैं यहाँ पर फाइनली इसका जो एलसीएम है उसको 2 ले सकता हूँ। सो अगर 2 एलसीएम आएगा तो क्या होगा, देखिए दिस इज एंगल बी प्लस 1 टू जै 2, तो 2 एंगल बी प्लस 1 2 टाइम्स 2, 2 3 जै 6 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 6 एंगल बी, 2 एंगल बी एंड एंगल बी, हाउ मेनी एंगल्स हो गए यहाँ पर बी के, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 एंगल बी, तो 9 एंगल बी। तो मैं इसको ले सकता हूँ कि 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो इंटू 2, तो यहाँ से 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। तो एंगल बी की जो वैल्यू आती है वो आती है 360 अपॉन 9, 9 4 या 36 तो 40 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू आता है 40 डिग्री। अब देखिए हमें यहाँ से एंगल बी तो मिल चुका है, तो एंगल बी की हेल्प से हम एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनके बीच में रिलेशन पता है हमें। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू, हमें यहाँ पता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी अपॉन 2 है, देखेंगे अब यहाँ पे। तो और एंगल बी कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री अपॉन 2, सो इट विल बी 20 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए मिल चुका है 20 डिग्री के इक्वल। सेम जो एंगल सी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस वाले रिलेशन से। जो एंगल सी था वो 3 एंगल बी के इक्वल था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल सी फाइंड करने के लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे 3 एंगल बी का।
तो एंगल सी क्या आएगा यहाँ से हमारा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी। बी कितना है, जो एंगल बी के वैल्यू 40 के इक्वल है, तो यहाँ से आएगा 120 डिग्री। तो एंगल सी आता है 120 डिग्री, राइट। तो हमें यहाँ से तीनों एंगल्स मिल चुके हैं। सो ये होगा इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5th का। सो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को कॉपी में लिख लिया है। क्वेश्चन था आपका कि ड्रॉट ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3। देन आफ्टर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस। उसके बाद में जो वाई एक्सिस और इन दो लाइन्स की मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं, राइट। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो चलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मुझे पहला इक्वेशन गिवन था वो था 5x - y = 5। जो सेकंड इक्वेशन गिवन था वो था 3x - y = 3। तो कर गया रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाऊंगा, देन उसके बाद इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाऊंगा। फिर चेक करेंगे कि दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं और वाई एक्सिस के साथ में कैसे एंगल फॉर्म करते हैं। तो हमें पहले इसका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्लास 9th में सीखा है कि हाउ टू फॉर्म अ ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो जब मैं पहले इक्वेशन ग्राफ बनाऊंगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। पहले मैंने x = 1 लिया, तो जिसके लिए मुझे वाई का वैल्यू मिलता है 0 के इक्वल। आप चेक कर सकते हैं हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने सिंपली कैलकुलेशन करी है। देन उसके बाद मैं जब मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलता है यहाँ से, -5। तो मैं इसके लिए एक बॉक्स बना लेता हूँ, जिस टाइप से हम क्लास 9th में बनाते थे, आपको याद होगा। यहाँ पर मैं x वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ y का वैल्यू पुट करूँगा। सो व्हेन x = 1 देन जो y का वैल्यू आता है वो 0 आता है, और व्हेन x = 0 तो y आता है -5। तो यहाँ से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं पहले वाले ग्राफ के, इससे मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। इस अब मैं यहाँ से जस्ट जो सेकेंड इक्वेशन है उसका भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेता हूँ, जिससे मुझे ग्राफ बनाने में हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है वो है 3x - y = 3। देन मैं यहाँ पर पुट करता हूँ सबसे पहले x = 1। पुट x = 1 तो क्या होगा यहाँ से देखेंगे आप, 3 × 1 - y = 3। तो यहाँ से मुझे यह मिलेगा वाई का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से आएगा -y = 3। अभी यहाँ आएगा तो हो जाएगा -3, तो 3 - 3। तो -y = 0 कह सकता हूँ मैं, या मैं कह सकता हूँ y = 0। तो यहाँ से मुझे वाई का वैल्यू मिल गया 0। पहला कोऑर्डिनेट आया कब, जब मैंने x = 1 पुट किया। अब मैं इसके बाद ए वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ x के प्लेस पर 1, सॉरी x के प्लेस पर मैं 0 पुट करके चेक कर लेता हूँ इस बार। तो क्या होगा देखिए, पुट x = 0 देन इट विल बिकम 3 × 0 - y = 3। सो -y = 3, सो और वी कैन से इधर y = -3। तो यहाँ से फिर एक कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, व्हेन x = 0 देन y = -3। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स वाई के लिए। यहाँ पर होंगी वैल्यू x की और y की। व्हेन x = 1 तो y आता है 0, और व्हेन x = 0 तो y आता है -3। अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, देन हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर ये कैसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इस ग्राफ्स में ही पॉइंट्स को प्लॉट करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है 1, 0, x1, y0 यहाँ पर आएगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 0, -5। अब देख पाएंगे 0, -5 ये पॉइंट होगा, तो x0, y-5 दिस इज द पॉइंट। जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो मुझे यहाँ से एक लाइन मिलेगी जो कि इस वाले इक्वेशन का ग्राफ होगा। सो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही इक्वेशन को ज्वाइन कर दिया है, सो दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, जिससे कि मुझे ये लाइन मिल रही है। और ये जो लाइन है ये पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड इक्वेशन है 1, 0, 0-3। सो यहाँ पर देखिए, जब x1 होगा तो y0 होगा, दिस इज द 1, 0 पॉइंट, राइट। सेकेंड पॉइंट है 0, -3। 0, -3 कहाँ पर होगा देखिए, दिस इज द x0 एंड दिस इज द y-3, तो ये पॉइंट होगा 0, -3। अगर मैं इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, मैं आपको बना के शो करता हूँ। सो आपको इस तरीके का फिगर शो होगा यहाँ पर, जहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था वो था 0, 1, 0, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट थे 0, -5 फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए। सेकेंड वाले ग्राफ के जो पॉइंट थे वो थे 1, 0 और 0, -3, ये था 0, -3। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। क्वेश्चन में आपसे कहा था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जो ये लाइंस हैं, ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं वो वाई एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। मैं एक बार यहाँ पर ट्रायंगल को सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, बिकॉज ये तो लाइंस से और इस वाई एक्सिस के मिलके बन रहा है। सो इस ट्रायंगल में आपसे पूछा गया है कि जो इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या होंगे आपको वो फाइंड करना है। वर्टिसेस मीन्स ये इसके जहाँ पर लाइंस ज्वाइन हो रही हैं दूसरे को। तो पहला पॉइंट क्या है, 1, 0। सो देयरफॉर द वर्टिसेस आर, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वर्टिसेस आर
पहला है 1.0, सेकंड है आपका 0.-5 एंड जो थर्ड है दैट इज 0.-3। ये है आपके सॉरी वर्टिसेस जो होंगे, पहला होगा 1.0, दूसरा होगा 0-5, तीसरा होगा 0-3। तो ये हैं वर्टिसेज आपके ट्रायंगल्स के। सो ये है इसका फाइनल आंसर, आप चेक कर सकते हैं। तो हल समझते क्वेश्चन है क्या, सेवन्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी तो जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी लीनियर इक्वेशंस, वो हमेशा जो उसमें एक्स वाई के कोफिशियंट्स थे वो नंबर की फॉर्म में थे। बट यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशियंट हैं वो क्या है आपके नंबर ना होके कुछ आपको ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो कि ए बी सी की फॉर्म में या पी क्यू आर इस फॉर्म में होंगे, राइट। तो आपको इनको देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे हम सॉल्व करते थे वहाँ पर नंबर्स की, जब हमारे पास में नंबर्स होते थे, हमें सेम तरीका यहाँ भी यूज करना है और सॉल्व करना है इक्वेशंस को एक्स और वाई के लिए। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, सेकेंड इक्वेशन है पी एक्स सॉरी क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन में फर्स्ट लेट करता हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट करता हूँ, तो आपको पता होगा कि दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें अगर एलिमिनेशन लगाना है तो मुझे कहना कि एक्स का और वाई का कोफिस, यहाँ पर एक्स का, यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट बराबर करना पड़ेगा। पहले वाली इक्वेशन जो एक्स का कोफिशेंट है वो पी है और दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशेंट क्यू है। तो पहले वाली इक्वेशन में क्यू से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशेंट पी यू कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन में पी से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशेंट पी क्यू कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ जो मैं यहाँ पर लिख भी दिया ऑलरेडी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई क्यू एंड सेकेंड बाई पी। तो देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, पी इंटू क्यू पी क्यू एक्स प्लस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस साइन क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन जो थी, ऐसे बन चुकी है। अब जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें हमने क्यू से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी पी से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा पी इंटू क्यू पी क्यू एक्स माइनस साइन पी इंटू पी पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी इंटू पी पी स्क्वायर पी इंटू क्यू पी क्यू, राइट। अब मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सेपरेट करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स पी क्यू एक्स मीन जो एक्स के कोफिशिएंट है वो सेम है, तो मैं यहाँ पर साइन चेंज करके इनको कैंसिल कर सकता हूँ, और साइन चेंज मीन्स हमें दोनों को सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने में हमारे साइन चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर पी क्यू एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू। यहाँ देखिए पी क्यू निगेटिव पी क्यू पॉजिटिव, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड यहाँ दोनों के पास में वाई है तो मैं वाई को बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये जाएगा वाई इंटू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं निगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ तो ये जाएगा निगेटिव क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि वो पता होगा कि जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव। अब मुझे चाहिए वाई का वैल्यू, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा, तो नेगेटिव क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है, अब मैं क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को नीचे लेके आ रहा हूँ डिनोमिनेटर में, इसके कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से वन टाइम कटेगा तो वाई का वैल्यू आएगा माइनस वन, राइट। हमें वाई मिल चुका है, तो अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके एक्सपेंड कर सकता हूँ। एलिमिनेशन हमने यहाँ पर लगाया है जिससे हमें y मिला है, अब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी जहाँ से मुझे x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाला हूँ, पुट y इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हुआ देखिए, इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, सो पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, जो y का वैल्यू है वो है माइनस वन इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर देखेंगे पी एक्स ये हो जाएगा माइनस क्यू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, अगर इस क्यू को मैं राइट साइड लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्यू क्यू आते हैं। तो ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर दो इक्वल टू के दोनों साइड में कोई ऐसे नंबर्स हैं या ऐसे वैल्यू हैं जो कि सेम है और उनका साइंस भी सेम है, तो वो कैंसिल वहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए यहाँ बसता है p और यहाँ भी है p, तो p अपॉन p वन, तो यहाँ से x का वैल्यू आता है वन के इक्वल, तो यहाँ से हमें x भी मिल चुका है और हमें y तो ऑलरेडी मिल ही चुका था, तो यहाँ से वैल्यू आता है x का वन और y आता है माइनस वन। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, राइट। तो आपको यहाँ पर पी क्यू ए बी सी इनको लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है,
आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मेथड सीखा है, आपने पहले से एलिमिनेशन सीखा है, आपने सब्स्टिट्यूशन सीखा है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, और ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली जो एलिमिनेशन मेथड होता है कहीं ना कहीं काफ़ी आसान रहता है बाकी जो मेथड्स हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, चले बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर जो पहला इक्वेशन गिवन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सेकेंड इक्वेशन गिवन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी। राइट, तो हमें ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। इसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ कि मैं एक्स के कोफिशियंट को इक्वल करूँगा। यहाँ पर एक्स के कोफिशियंट ए है और यहाँ पर बी है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इस वाले जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो एक्स का कोफिशियंट है ए भी बन जाएगा, और मैं जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए बी एक्स का कोफिशियंट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करके चेक करूँ तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स बी इंटू ए बी एक्स प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू सी बी सी। ऐसे में ए का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इंटू बी ए बी एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स लिखना भूल गया था, ए इंटू बी ए बी एक्स प्लस ए इंटू ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए इंटू वन ए प्लस ए इंटू सी ए सी। अब मैं दोनों को यहाँ पर सेपरेट करने वाला हूँ तो यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सेपरेट करने का रीज़न ये था कि ए बी एक्स सेम थे तो इनको कैंसिल करने के लिए इनका मैंने यहाँ पर साइन चेंज किया है, और साइन चेंज कब होता है जब हम सेपरेट करते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं सेपरेट करके इनको लेके आता हूँ तो यहाँ देखिए ए बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ बचेगा बी सी माइनस ए सी। राइट, अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से अगर मैं वाई को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, यहाँ सेम रहेगा बी सी माइनस ए सी। इसको मैं नीचे ले गया था डिनोमीटर में, तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आएगा, बी सी माइनस ए सी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने ए सी को आगे लिया और माइनस ए को पीछे लेके गया हूँ, तो यहाँ से वाई का वैल्यू ये आ रहा है। सो वाई का वैल्यू आ चुका है मेरे पास में। आप चाहे तो यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा वाई इक्वल टू बी, अगर सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा सी कॉमन दोनों में से, यहाँ बचेगा बी और यहाँ रहेगा माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ चुका है वैल्यू वाई का। इस वाई की वैल्यू को हम कहीं प्लेस कर सकते हैं, हमें वहाँ से एक्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आसान समझूंगा अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ। सो पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है, सी बी सी माइनस ए सी माइनस ए, मैं ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ वाई का। बात एक ही, आप यही पुट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ओपन है ये ब्रैकेट में, तो मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। आगे कितना है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई, वाई का वैल्यू ये है अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से फाइंड करते हैं एक्स का वैल्यू। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस, अब जब बी का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए बी इंटू बी बी स्क्वायर सी माइनस बी इंटू ए बी सी माइनस ए इंटू बी ए बी। सो यहाँ पर मैंने वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बी को अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बी इंटू ए बी अपन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी। और जब मैं इसको राइट साइड लेके आता हूँ तो ये निगेटिव हो जाता है, बस मैंने इतना सा यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है। अब मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एल से मिलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर वन है सी का। जब मैं एल से मिलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्या देखिए बी स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर सी माइनस साइन सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब। देन उसके बाद में आप जब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे साइन चेंज होंगे अंदर के, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से ए एक्स इक्वल टू माइनस सी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस
सॉरी, यहाँ पर मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा तो एल सी मिलने की बात हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा, तो सी इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी। बस छोटा सा करेक्शन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, सी इंटू ए स्क्वायर सी हो जाएगा। तो अब जो यहाँ से एक्स का वैल्यू आता है वो आता है माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से ए को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा एक्स का वैल्यू का। मैं आपको दूसरे पेज में शो करके दिखाता हूँ। सो जो यहाँ पर हमारा वैल्यू आया है ए एक्स का, वो आया है माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक कम करने वाला हूँ, यहाँ से सब में से ए कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए कॉमन आएगा, बचेगा माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी ए यहाँ भी ए मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल्ड आउट, तो एक्स कितना जाएगा माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये है आपका एक्स का फाइनल आंसर। अब यहाँ पर आपको मेरे आंसर को लेकर और आंसर शीट के आंसर को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आंसर शीट में यहाँ पर वाई की वैल्यू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, बट जैसे आपका यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो आपका आंसर भी सेम हो जाएगा। तो आंसर हमारा भी बिल्कुल सही है और जो आंसर शीट में दिया है वो आंसर भी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि उन्होंने डिनोमेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है और मेरे आंसर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो गलत आंसर ये भी नहीं है, अगर आप एग्जाम भी करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स अलॉट होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए इस तरीके से। सो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7th के सेकंड पार्ट का। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7th का थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ कि इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेता हूँ ए बी, तो क्या होगा यहाँ ए से आप डिवाइड करोगे तो बचेगा बी, तो बी इंटू एक्स बी एक्स माइनस बी से आप डिवाइड करेंगे ए बी को तो रहेगा ए रिमाइंडर जो रिमेनिंग रहेगा, तो ए इंटू वाई ए वाई इक्वल्स टू जीरो। आप चाहते इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, मैंने इस वाली इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया तो ये ऐसी बन गई, तो यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसे लिख देता हूँ। अब मुझे दोनों को सॉल्व करना है। आप देखोगे यहाँ पर हो गया रहा है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो मैं एक्स के कोफिशिएंट को सेम कर सकता हूँ दोनों ही प्लेसेस में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा बी से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा ए से। ऐसा क्यों, बी इंटू ए हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी और हो जाएंगे एक्स के कोफिशिएंट बराबर। तो चलिए करते हैं, तो ए इंटू बी ए बी एक्स, बी इंटू बी बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, वो है हमारा ए इंटू बी ए बी एक्स माइनस ए इंटू ए ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, राइट। तो अभी मैं इक्वेशन सेकंड इसको एलेट कर ले रहा हूँ, जो सेकंड इसको मैं सेकंड ही नाम दे रहा हूँ अभी, इक्वेशन फर्स्ट को मैं अभी फर्स्ट ही नाम दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सॉरी यहाँ पर मैं एक्स लिखना भूल गया हूँ, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लेता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सेकेंड क्या है ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए बी एक्स कैंसिल्ड आउट, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, क्योंकि अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी का साइन पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो चुका है और बी क्यूब का साइन भी निगेटिव हो चुका है। तो यहाँ से मैं वाई कॉमन लूँगा निगेटिव, तो यहाँ पर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से माइनस का बी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इनको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो वाई हो जाएगा कितना माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये निगेटिव साइन है ना ये नीचे आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में, तो माइनस माइनस कैंसिल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई बचेगा बी के इक्वल, तो वाई आ चुका है बी के इक्वल, राइट। हमें ऐसे वाई का वैल्यू मिल चुका है, इस वाई की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके यहाँ से ए फाइंड कर सकता हूँ। सो पुट वाई इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से
एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ वाई इक्वल टू बी, तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो, वाई की प्लेस पर भी बी आ चुका है। आप इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी, या एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन ए बी, ए कैंसिल बी बी कैंसिल, तो एक्स बचेगा सिंपली ए, एक्स मिल चुका है बी मिल वाई मिल चुका है बी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 का ही फोर्थ पार्ट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, जहाँ पर मैं ये गिवन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ए प्लस बी वाई, ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी के साथ में कुछ ना कुछ हो रहा है कॉमन सा, राइट। तो ये इक्वेशन तो एक्स वाई के फॉर्म में ऑलरेडी एक्सपेंड है, मतलब एक्स और वाई अलग है, बट यहाँ पर एक्स और वाई कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इसमें एक्स वाई को अलग कर देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं इक्वेशन फर्स्ट ही रहने दे रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड जो दूसरी इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको इक्वेशन सेकंड नाम दूंगा। तो ए प्लस बी इंटू एक्स कितना आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस आना जाएगा, ए प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, जो हमें दूसरी गिवन इक्वेशन थी उसको मैंने कुछ ऐसा बना के लिख दिया, तो अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरा। अब आप देखो कि दोनों ही इक्वेशंस में ए प्लस बी वाई है, ए प्लस बी वाई है, मतलब वाई का कोफिशियंट तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो ये नेगेटिव, ये भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, मीन्स ऑल द साइन आर चेंज नाउ। ए प्लस बी एक्स सॉरी वाई, ए प्लस बी वाई कैंसिल्ड आउट, यहाँ कितना बचेगा ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी वाई एक्स इक्वल टू, अब यहाँ क्या रह जाता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यह है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं आगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्स इसके पास भी है एक्स इसके पास भी, तो मैं एक्स को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा ए माइनस बी, और यहाँ देखिए नेगेटिव ए प्लस बी है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, और ये एक्स कॉमन बाहर आ चुका है, इक्वल टू में क्या रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए तो कैंसिल हो सकता है यहाँ से, ए निगेटिव है पॉजिटिव है, तो क्या रह जाएगा माइनस टू बी, और इक्वल टू में कितना है आपको दिख रहा है क्या, दोनों में ही माइनस टू बी कॉमन है, तो मैं दोनों में से माइनस टू बी को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस टू बी आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा केवल बी, क्योंकि टू बी स्क्वायर में से माइनस कॉमन क्या है टू कॉमन आ चुका है बी कॉमन आ चुका है, तो बचेगा केवल बी, और माइनस टू ए बी में से भी टू बी माइनस का कॉमन आ चुका है तो बचेगा प्लस ए, तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस टू बी बी प्लस ए अपॉन माइनस टू बी, ये हुआ गया, मैं इस माइनस टू बी को नीचे लेके आ गया हूँ, माइनस टू बी कैंसिल्ड आउट, तो वैल्यू आता है एक्स का यहाँ से बी प्लस ए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमें एक्स मिल चुका है, इस एक्स की वैल्यू को मैं प्लेस करूँगा किसी भी एक इक्वेशन में, जहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बी का वैल्यू मिल जाएगा सॉरी वाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करना, सो पुट एक्स इक्वल टू बी प्लस ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू बी प्लस ए तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो क्या मैं बी प्लस ए को ए प्लस बी ले सकता हूँ, डेफिनेटली ले सकता हूँ, तो बात तो एक ही है, तो मैं यहाँ पर इसको ए प्लस बी लिख रहा हूँ प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या आता है, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर।
देखिए मैंने आपको लास्ट भी समझाया था कि एक पहले ही वाले क्वेश्चन में कि अगर दोनों साइड में कोई ऐसे टर्म्स हैं जिनका साइंस सेम है और वो एक टर्म्स भी इक्वल हैं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर सेम टर्म्स हैं, बी स्क्वायर सेम टर्म्स हैं और साइन भी दोनों के सेम हैं तो कैंसिल्ड आउट। तो वाई कितना बचता है यहाँ से, माइनस टू ए बी। अगर आप ए प्लस बी को नीचे ले आते डिनोमेटर में तो यह आएगा अपॉन ए प्लस बी, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ से हमको देखा होगा आपने कितने आसानी से ए एक्स और वाई का वैल्यू मिल चुका है। तो ये हैं आपके फाइनल आंसर एक्स और वाई के। तो जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेवन के। चलिए हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के फिफ्थ पार्ट में, और जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर इसमें गिवन है कि 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ अगर नोटिस हो रही होगी तो वो ये है कि जो यहाँ पर x का कोफिशियंट है मीन्स 152 वो यहाँ y का कोफिशियंट है, और जो यहाँ y का कोफिशियंट है माइनस 378 वो यहाँ x का कोफिशियंट है। तो ये चीज़ तो आपने नोटिस की होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली नहीं करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 152 से इसको, 378 से इसको, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो हम इसको ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आपको सिंपली इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट करना है। ये कुछ स्पेशल केस है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। तो आपको करना ये होगा कि दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना होगा, फिर दोनों इक्वेशन को पहले सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा देखिए, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, और फिर क्या बना माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। मैं कर गया रहा हूँ, दोनों केसेस को ऐड कर रहा हूँ तो साइंस तो चेंज होगा नहीं। तो 152 माइनस 378 यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 2 होगा, तो माइनस 226x माइनस 378 प्लस 152 ये भी कितना आएगा माइनस 226 y इक्वल्स टू, यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस और साइन तो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 678। मैं यहाँ से माइनस 226 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ कितना बचेगा x प्लस वाई और इक्वल्स टू में कितना है माइनस 678। इसको डिनोमेटर में लेके आते तो x प्लस वाई कितना आएगा माइनस 678 अपॉन माइनस 226, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट। आप चेक करोगे डिवाइड करके तो ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन मिल चुका है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये हमारा एक इक्वेशन और बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऐड कर ले रहे हैं हम इसको। ये आया कहाँ से, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके। ऐसे होगा क्या, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सेपरेट करोगे तो वहाँ से भी आपको एक छोटा सा इक्वेशन बन के मिलेगा ऐसा ही कुछ। तो देखते हैं करके, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट है 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। इक्वेशन सेकेंड क्या है, माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। आपको मालूम है कि जब हम सेपरेट कर रहे होते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। अब प्लस प्लस तो प्लस होता है, तो 378 प्लस 152 हम ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 0 10 हो जाएगा, तो अब कैरी 1 करोगे, 5 प्लस 7 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और 5 530 एक्स माइनस, ये भी कुछ ऐसे आएगा 530 वाई इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी आएगा कितना आपका पॉजिटिव 530। आप चेक कर लेना इसको, क्योंकि 604 माइनस 74 कितना होगा 530 होगा। तो यहाँ से अगर मैं 530 को बाहर कॉमन लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 530। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आएगा 530 अपॉन 530 कैंसिल्ड आउट वन टाइम्स। तो यहाँ से देखो कितना आसान सा इक्वेशन मिला है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसको मैं ऐड करूँगा क्या इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखिए मैं इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगा जिससे मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो करते हैं यहाँ पर, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो क्या मुझे यहाँ से x मिल जाएगा, डेफिनेटली, क्योंकि y y कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ करने वाला हूँ मैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, फोर्थ इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई वाई कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ से बचेगा 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 के इक्वल। तो मुझे x तो मिल चुका है यहाँ से, इस x के लोग आप कहीं भी प्लेस कर दो, थर्ड और फोर्थ में आपको y मिल जाएगा।
तो यहीं पर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमको इक्वेशन थर्ड क्या गिवन था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री। इसमें मैं वाई टू पुट करता हूँ तो क्या होगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो एक्स कितना आएगा, थ्री माइनस टू वन, तो एक्स आ चुका है वन और वाई आ चुका है टू। तो हमें देखा होगा कि ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया जहाँ से हमें ये वाला इक्वेशन मिला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जहाँ से हमें ये इक्वेशन मिला, फिर लास्ट में दोनों ही इक्वेशंस को हमने फाइनल करके सॉल्व किया थर्ड और फोर्थ को, तो हमें यहाँ से एक्स और वाई मिला। तो ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ पर एक ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें फाइंड करना है कि इसके एंगल्स क्या क्या होंगे, राइट। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसका फिगर फॉर्म कर लेते हैं। सो ये है क्वेश्चन का फिगर। यहाँ पर हमें जो क्वाड्रिलेटरल है वो दिया गया है ए बी सी डी। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम जानते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए और सी जो एंगल्स हैं ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो इनका सम भी 180 होगा। सिमिलरली बी और डी एंगल्स भी यहाँ पर अपोजिट एंगल्स हैं तो इनका भी सम 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो एंगल ए और एंगल सी हैं उनका सम होगा 180 के इक्वल। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा एक्स और वाई की फॉर्म में, क्योंकि जो एंगल एक्स ए है वो है 4y+20 और जो एंगल सी है वो है -4x, तो ये आएगा 180 के इक्वल। मैं एक काम करता हूँ, इस 20 को साइड ले आता हूँ तो ये जाएगा -4x+4y। चलिए एक काम करते हैं, इस 180 को साइड ले आते हैं तो +20 -180=0। तो यहाँ से आएगा -4x+4y -160=0। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में जैसा वो दिख रहा होगा यहाँ से एंगल ए और एंगल सी का सम 180 था, वैसे एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 होगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी भी यहाँ पर अपोजिट एंगल्स हैं तो इनका सम भी होगा 180 के इक्वल। जो एंगल बी है वो है 3y-5 और जो एंगल डी है वो है -7x+5 और जो इसका सम है वो है 180 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन क्या मिलती है, -7x+3y। यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैं 180 को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -180=0। इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों लीनियर इक्वेशंस बन चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड। तो मुझे दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फाइंड करना है यहाँ से एक्स और वाई। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर वाई के कोपिशेंट को इक्वल कर लेता हूँ और दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। और वाई के जो कोपिशेंट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए मुझे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, राइट। तो आप इसको लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 4। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, 4 3 12x+3 4 12y -3 × 160 480=0, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट का एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म है तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ही लेट कर लेता हूँ। देन इक्वेशन सेकंड कहाँ से आता है, जब हम इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 28x+4 3 12y -18 4 540 सो इट विल बी 720=0। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब हमें दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सेपरेट कर लेना है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर 12y+12y- कैंसिल आउट, प्लस माइनस होता है माइनस, 28 - 12 आएगा 16x के इक्वल और प्लस माइनस माइनस, और 720 - 480 = दिस विल बी, अगर यहाँ से एलसीएम सॉरी यहाँ से अगर इसको कैरी करते हैं तो जाएगा 10 10 माइनस 10+2 12 12 - 8 4, यहाँ पर आएगा 6 6 - 4 2 240 = 0। तो यहाँ से आता है 16x+240=0, राइट। सो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये अगर यहाँ आएगा तो जाएगा -240 और 16 अपॉन में नीचे आएगा यहाँ डिनोमीटर तो क्या अपॉन 16। तो डिवाइड करते हैं इससे इसको, 16 1 16 एंड 16 5 18। सो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिलता है -15 के इक्वल। अब इस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी एक इक्वेशन में पुट करके यहाँ से हम वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिला है -15 के इक्वल, तो एक्स इक्वल टू
-15, ये हमें वैल्यू मिला है एक्स का। मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा -4x प्लस 4y -160 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पर वाई एक्स का वैल्यू पुट करेंगे -15, तो ये हो जाएगा इंटू -15 प्लस 4y -160 इक्वल टू 0। 15 फोर या 60 होता है, 60 प्लस 4y -160 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 4y 160 -60 -100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 25 डिग्री के इक्वल। आपको यहाँ से y मिल चुका है, आपको यहाँ से x मिल चुका है। x था हमारा -15 और y है 25 के इक्वल। इन एक्स वाई की हेल्प से मैं यहाँ पर बाकी की जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको फाइंड कर सकता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में जो एंगल ए है वो है 4y+20, तो एंगल ए इक्व टू 4y+20, राइट। यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ एंगल्स की जो एक्स और वाई की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4 × y, जो वाई का वैल्यू था वो था 25 डिग्री के इक्वल, अभी हमने जस्ट फाइंड किया था यहाँ से। तो 4 × 25+20, सो इट विल बी इक्व टू 120 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिल चुका है 120 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से मैं एंगल बी फाइंड कर सकता हूँ, जो एंगल बी है वो है 3y-5, तो 3y-5 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × जो वैल्यू है वाई का वो है -15, सॉरी जो वाई का वैल्यू है वो है 25-5, तो इस भी 25 75 75-5 70 डिग्री। तो एंगल बी भी आ चुका है हमारे पास में। नाउ जो एंगल सी है दैट इज इक्वल टू -4x, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सो एंगल सी -4x के इक्वल है, और जो एक्स का वैल्यू है वो है -15। सो ये जो वैल्यू आएगी एंगल सी की वो आएगी 60 के इक्वल। हमें एंगल सी भी मिल चुका है, ऐसे हम फाइनली एंगल डी फाइंड कर सकते हैं। एंगल डी जो है यहाँ पर वो होगा -7x+5 के इक्वल, और जो एक्स का वैल्यू है वो है -15+5, 15 7 105 + 5 120। तो एंगल डी आता है 120, राइट। तो हमें यहाँ से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगल्स मिल चुके हैं इस क्वाड्रेंट के। तो ये था फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 4 की वीडियो के साथ में। सो टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।